बाहरी दिल्ली के नागलोई फाटक के पास दिन दहाड़े कई राउंड फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। हमलावरों ने फिल्मी अंदाज में कई राउंड फायरिंग कर दो लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घायलों को नजदीक के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया। हॉस्पिटल में रोते बिलखते ये परिजन हैं सलीम और जाकिर के, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जाकिर और सलीम नाम के युवक की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का आरोप नदीम, शकील और रईस पर है, जो कि घटना के बाद से ही घटनास्थल से फरार हो गए। मीट मार्केट की दुकान है, आमने सामने दोनों भाई बैठते हूँ। मेरे सामने गोली मारी है रईस ने, मोमिन ने, राजा भी था साथ में, मैं शकील भी था, और मैं भागा हूँ तो मेरे पीछे गोली लेके भागे, मेरे पैर में चोट लगी है। मेरे पीछे ये फायरिंग कर रहे थे, मैं भागते भागते गली में से भागा हूँ। मृतकों के परिवार के अनुसार सलीम का मार्केट में मीट शॉप है। घटना के वक्त सलीम अपनी दुकान पर मौजूद था, तभी हमलावरों के साथ पहले झगड़ा हुआ, फिर उन्होंने मंदिर के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। उसके बाद कई राउंड गोली चला दी, जिसमें जाकिर और सलीम को गोली लग गई। परिजनों के मुताबिक झगड़े का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। वहीं एक बाबर नाम का लड़का भी है जो इस घटना में घायल हुआ है। अरे भाई का और रईस का पहले का कलेश चल रहा है, इनकी आपस की रंजिश चल रही है। इन्होंने आपस की रंजिश के चक्कर में ये बबलू जो मरा है, ये आरिफ भाई ने करा का काम, और इसने रईस ने जो है मेरे भाई को नागानी में बिल्कुल बेफालतू में गोली मार दी। इनसे कोई रंजिश नहीं थी, मेरा बड़ा बहन हुई है उससे इनकी पहले दो यारी दोस्ती थी, अब इनकी दुश्मनी हो गई, किस बात पर हुई ये जाने। हमारा कोई मतलब नहीं ना, हमारा कोई लेना देना था उस बात से। इन्होंने हमारे पे फायरिंग क्यों करी, हमारे को क्यों मारा, और वो तो अपने दुकान पर बैठा हुआ था, वहाँ से जाकर मारा है उसको। पाँच जनों ने उसे पकड़ा और कहने लगा हाँ भाई ये है वो कल से, हाँ दुकान बंद कर दो, और वो ही आज हो गया, उन्होंने कर दिया। जिले के एडिशनल डीसीपी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना के बाद फरार आरोपी रईस ने पुलिस पर भी फायर किया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। रईस के पास एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एरिया में एक फायरिंग की वारदात हुई है, जिसमें एक पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है। इसमें जो सभी लोग थे वो मीट के व्यापार में इन्वॉल्व थे, मीट सप्लाई का काम करते थे, और इनकी पुरानी बिजनेस राइवलरी भी थी। इसमें एक अक्यूज जो है मोहम्मद इकराम अलियास आरिफ, ये एक मर्डर के केस में पैरोल पे बाहर आया हुआ था। इसने आज नांगलोई थाने के एरिया में एक जाकिर नाम के व्यक्ति पे गोली चलाई। उसके बाद जाकिर के एक साथी रईस ने वहीं पास में सलीम कुरैशी की दुकान पे जाके उसके ऊपर गोली चलाई। तभी वहाँ से हमारे हाईवे पेट्रोलिंग का स्टाफ गुजर रहा था, तो मोहम्मद रईस जो है वो सलीम पर फायरिंग कर रहा है, मुस्तैदी से रईस को चेतावनी दी। तभी रईस ने हमारे हाईवे पेट्रोलिंग स्टाफ पे 3 राउंड फायर किए। हमारी तरफ से भी हमारे लड़कों ने एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर किया, और बड़ी ही बहादुरी दिखाते हुए रईस को धर दबोच लिया, रईस को पकड़ लिया। लेकिन दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले नागलोई फाटक के पास इस तरह के सनसनीखेज डबल मर्डर की वारदात से दिल्ली पुलिस के दावे खोखले साबित होते दिख रहे हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। देश विदेश की ताजा तरीन खबरें अपने मोबाइल में पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और देखते रहें हम वतन टीवी, खबर से खबर तक।